डियर ऑल स्टूडेंट्स, वन डे ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ, ये हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के टॉपिक थे और ये फिनिश हो चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके कंपोनेंट्स को। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा आपका वो होगा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, या ममेलियन हार्ट। देन सेकेंड कॉम्पोनेंट होगा आपका ब्लड वेसल्स और थर्ड कॉम्पोनेंट होगा ब्लड। ठीक है, तो ऐसे जो है आपके 3 कॉम्पोनेंट्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट है आपका हार्ट, देन है ब्लड वेसल्स, देन ब्लड। ठीक है, ब्लड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स मेरा देखिए तो वहाँ पे आपको ब्लड मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिवाइज करना है वहाँ से जाके। अभी डिस्कस क्या करना है, हार्ट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम हार्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक फिनिश करेंगे। और हार्ट में आपको पढ़ना क्या है, आज के लेक्चर में आपको हार्ट का एक जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, जिसको आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। देन हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, और हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको नोडल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नोडल टिश्यूज़ जिसमें SA नोड, AV नोड, पुरकेंजे फाइबर, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है, नोडल टिश्यूज़ का पार्ट है। तो नोडल टिश्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोडल टिश्यूज़ जो है वो उसकी हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है वो। ठीक है, नोडल टिश्यूज़ जो होते हैं हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, ये हमारा आज का हार्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा। और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में हम पहले एट्रियल सिस्टम पढ़ेंगे और देन वेनस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न होगा लेक्चर्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, जब आप हार्ट का फर्स्ट पॉइंट आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। और ये जो हार्ट होते हैं ये मस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं। और ममेलियन हार्ट में जो नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होंगे वो 4 होंगे ममेलियन हार्ट्स में। ठीक है, अब आपको बताना है कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है। हार्ट की पोजीशन अगर आप डिस्कस करें तो उसके कई पैरामीटर्स हैं उसके हार्ट के पोजीशंस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट की। पोजीशन ऑफ हार्ट डिस्कस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है रीजन वाइज, मतलब कि आपके बॉडी के किस पार्ट में हार्ट होता है। तो इसका आंसर है थोरिक कैविटी। ठीक है, थोरिक कैविटी वाले पार्ट में होगा। ठीक है, अगर आप रिब्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, रिब्स के अकॉर्डिंग, रिब्स आपको पता है ना कि 12 पेयर्स रिब्स होते हैं हम लोगों में। ठीक है, तो रिब्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 5th और 6th रिब के बीच में आपको हार्ट की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप डायफॉर्म से रिलेट करेंगे तो डायफॉर्म जो है जस्ट हार्ट के नीचे आपको मिलेगा। हार्ट एक्चुअली में रेस्ट करता है किस पे, डायफॉर्म पे। तो आप जब डिस्कस करेंगे रिब्स को तो ये भी बताएंगे कि जो हार्ट है वो डायफॉर्म पे रेस्ट करेगा, और रिब्स के अकॉर्डिंग 5th और 6th रिब्स के बीच में आपको हार्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लंग्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में आपको हार्ट मिलेगा। ठीक है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टनम। ठीक है, एक बार देखिए आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लाई बिहाइंड द स्टर्नम। आपको पता है ना कि बॉडी का जो वेंट्रल सरफेस होता है, बॉडी का वेंट्रल सरफेस में जो ये बीच में आपको दिखता है ये पार्ट, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम है। और स्टर्नम के बिहाइंड होगा और साथ ही साथ लंग्स के बीच में होगा। लेफ्ट और राइट जो लंग्स हैं उनके बीच में मीडिया स्टर्नम एक स्पेस होगा, और स्पेस में हार्ट होंगे, हार्ट के साथ साथ कुछ मेजर वेसल्स होंगे और लिम्फैटिक वेसल्स भी वहाँ पे होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप मीडिया स्टर्नम वर्ड यूज़ करेंगे तो मीडिया स्टर्नम एक स्पेस है जो लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में है, वहाँ पे हार्ट भी है, हार्ट के साथ कुछ मेजर वेसल्स हैं और साथ ही साथ वहाँ पे
लिम्फेटिक वेसल्स भी है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है आपका मीडिया स्टेनम, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये कहाँ पे है, थोरी कैविटी में है। रिब्स के अकॉर्डिंग देखें तो फिफ्थ और सिक्स रिब के बीच में है। अगर डायफॉर्म के अकॉर्डिंग डिस्कस करें हार्ट को, तो हार्ट डायफॉर्म पे रेस्ट करता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हार्ट के डायमेंशन के बारे में। हार्ट की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं हार्ट के वेट को लेकर डिस्कशन करते हैं, हार्ट वेट, ठीक है। हार्ट वेट अगर मेल में डिस्कस करें तो 300 ग्राम का होगा, फीमेल में डिस्कस करेंगे तो 250 ग्राम का होगा, ठीक है। डिस्कशन करेंगे हार्ट के प्रोटेक्शन को लेकर। जो हार्ट होता है मीडिया स्टेनम में जहाँ पे होगा वहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर से इंक्लोज होगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर से ये इंक्लोज होगा, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे उसको? पेरिकार्डियम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ट है वो इंक्लोज है किसमें? पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डियम में आउटर और इनर लेयर होते हैं, ठीक है। लेयर के बीच एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे कि जो भी हार्ट है वो हार्ट आपका मीडिया स्टेनम स्पेस में है, और वहाँ पे एक लेयर से प्रोटेक्टेड है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और एक्चुअल देखा जाए तो पेरिकार्डियम में फर्दर दो लेयर हैं, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर और इनर के बीच में जो है जो कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये शॉक और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है। ध्यान देना ये जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड कहाँ पे है? कैविटी में है। और ये जो फ्लूइड है ये शॉक और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट चैम्बर को, और हार्ट चैम्बर में जो प्रेजेंट ब्लड है उसको भी डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि मैमेलियन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है राइट एट्रियम, सेकंड आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम, देन आपका राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये टोटल आपके 4 चैम्बर हार्ट में है, मैमेलियन हार्ट्स में, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लड भी मैंने मेंशन कर रखा है। जो राइट पार्ट है हार्ट का वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि आपका राइट एट्रियम, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। देन आते हैं लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम में क्या है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो ब्लड है ये कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको समझना होगा। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज से आ रहा है, ठीक है। जो भी आपके बॉडी के टिश्यूज़ हैं जब ब्लड को यूज़ कर लेते हैं, रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा एक मेजर वेसल्स में है, और ये वेना केवा दो टाइप के हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। जो सुपीरियर होते हैं वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आते हैं, दैट मींस कि हेड और नेक रीजन का ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में लेके आता है, और जो आपके बॉडी के लोअर पार्ट होते हैं वहाँ से ब्लड इन्फीरियर वेना केवा लेके आता है राइट एट्रियम की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये जो भी आपके सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के टिश्यूज से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सेपरेटली ओपन हो रहे हैं, ठीक है। राइट एट्रियम में ये सेपरेटली ओपन होंगे, ठीक है। देन अब आते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व पे। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होगा, ठीक है। एज पर कार्डियक साइकिल इवेंट, एज पर कार्डियक साइकिल इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। ये कार्डियक साइकिल आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे बाइकस्पिड है, और ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वॉल्व हैं वो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के अकॉर्डिंग, दैट मींस कि हार्ट के चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग ये क्लोज और ओपन होते हैं, ठीक है।
आप अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओपन है, तो ओपन जब ये रहेगा तभी यहाँ से ब्लड यहाँ की तरफ मूव होके आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तभी राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, और देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बट ये किससे, किसके थ्रू जाएगा, ये पल्मोनरी आयोटा के थ्रू। पल्मोनरी आयोटा भी एक मेजर वेसल्स में से एक है, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो आपका आयोटा या आर्टरी जो भी है पल्मोनरी, ये कहाँ पे ब्लड लेके जाएगा, लंग्स में जाएगा लेके, और लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्जन होगा। आप सबको पता है कि रिस्पायरेशन जब होता है तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स में होता है, लंग्स की एल्वोलाई में होता है, ठीक है। लंग्स की जो एल्वोलाई की जो वॉल है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। जब एक बार ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है देन वो ब्लड फिर कहाँ आएगा, वो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। ध्यान देना होगा वो ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और किसके थ्रू आएगा, वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू आएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, मैं एक बार बता दूं कि जब आप पल्मोनरी वेंस और आर्टरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का जो कॉन्सेप्ट है ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये एक्सेप्शन है एक तरीके से, वेंस और आर्टरी, कौन से आर्टरी और कौन से वेंस, पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेंस जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी और वेंस के केस में अपोजिट है। पल्मोनरी आर्टरी और वेंस के केस में क्या अपोजिट है, यहाँ पे आर्टरी क्या कर रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ रहा है। दैट मीन्स कि पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और वो ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और ऐसा तब होगा जब कार्डियक साइकिल के टाइम पे वो पर्टिकुलर इवेंट्स होगा जिससे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाए, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व कैसे ओपन होगा मैं आगे डिस्कस करूँगा। आपको हमेशा ये समझना है कि जब भी एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड जाएगा तो उस टाइम पे वॉल्व ओपन होना चाहिए, और वॉल्व ओपन और क्लोज होने के कंडीशंस होते हैं, ठीक है। मैं आगे के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे आपका आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ मीन्स कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, देन ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिस्टमिक आयोटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये आपके दो जो मेजर वेंस दिख रहे हैं, ये जो आपके दो मेजर वेसल्स दिख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इनमें एक खास बात ये है कि इन दोनों में एक पर्टिकुलर टाइप का वॉल्व होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का वॉल्व होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन है आपका, ठीक है। जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं वो पल्मोनरी आयोटा में होते हैं और सिस्टमिक आयोटा में होते हैं। पल्मोनरी आयोटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाएगा, और जो सिस्टमिक आयोटा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और वहाँ पे वो रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ होगा, ठीक है। देन आपको ये बताया मैंने कि पल्मोनरी जो आयोटा है या आपका सिस्टमिक आयोटा है इसमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। वॉल्व का नेम जो है वो क्या है, सेमी लूनर वॉल्व है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेप्टम को, ठीक है। सेप्टम मीन्स कि जब आप ह्यूमन हार्ट या मेमिलियन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें चैम्बर्स के बीच में आपको कुछ सेप्टम मिलेंगे, दैट मीन्स कि कुछ डिवाइडेशन मिलेगा, वो सेप्टम के पर्टिकुलर नेम हैं, आप एक बार देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और दोनों एट्रियम के बीच जो सेप्टम होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा आपका, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कहाँ पे है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पे है, ठीक है।
एक इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंटर एट्रियल सेप्टम की, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो है ये कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, उस समय एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओबली। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओबली। और ये ओबली तब तक होती है जब तक कि बर्थ ना हो जाए, बर्थ से बिफोर ये ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये ओपनिंग क्लोज नहीं होता है तो वो एक क्या है, एक वो एबनॉर्मलिटी है। बाद में उसको सिजेरियन ऑपरेशन करके और देन जो है इस ओपनिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि ये जो आपके सामने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जब हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो ग्रेजुअली ये फॉर्म होता रहता है, ठीक है। बट एक प्लेस इसमें होता है जहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, ओपनिंग होता है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओबली बोलते हैं। फोरामेन ओबली जो होता है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में रिपोर्टेड है जब बर्थ होने वाला होता है, ठीक है। बर्थ होने वाला, जैसे सपोज दैट गेस्टेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 8 मंथ या 7 मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो उस टाइम तक क्या होता है कि कंप्लीट इंटर एट्रियल सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि फोरामेन ओवली क्लोज हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोज नहीं होता है तो ये क्या है, एक एबनॉर्मलिटी है। ये क्या है, एक एबनॉर्मलिटी है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, फोरामेन ओवली एक ओपनिंग है। कब ये ओपनिंग होता है, नॉर्मली एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, ठीक है। और ये बाद में जो है ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में तो ये क्लोज हो जाता है, बट कभी कभी ये नहीं होता है तो वो एक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा वेंट्रिकल से रिलेटेड। वेंट्रिकल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल्स है या लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, दोनों के बीच जो सेप्टम है वो क्या है आपका, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में होगा, ये याद करना होगा, मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है, दैट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है ये भी क्या है, सेप्टम है। और इसका एक दूसरा नाम है, वो क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो रिलेटेड किससे, हार्ट की वॉल से रिलेटेड है, ठीक है। जब हार्ट की वॉल का आप मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, जब मेज़रमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो थिक होती है वो किसकी वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल होती है। उसके कंपैरिजन में राइट जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होगी वो कम थिक होगी, ठीक है। और सबसे कम जो थिक होगी वो होगी आपकी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज लिखें तो सीक्वेंस वाइज आपका होगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का सेम होगा, देन राइट वेंट्रिकल्स का थिकनेस होगा और सबसे ज़्यादा थिक होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये किसका थिकनेस है, वॉल थिकनेस ऑर्डर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा थिक कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है ये पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, ठीक है। पूरे बॉडी को ब्लड पंप करेगा तो प्रेशर ज़्यादा इम्पोज करना होगा, प्रेशर ज़्यादा इम्पोज करेगा तो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और इसलिए नेचर ने लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल को थिक बनाया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने मोस्टली पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नोडल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। नोडल टिश्यूज़, आप जब हार्ट की वॉल का मस्कुलेचर अगर स्टडी करें, मस्कुलेचर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोडल टिश्यूज़ मिलेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वहाँ पे जो नोडल टिश्यूज़ का वर्किंग है वो वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगा न्यूरॉन से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन टर्म मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बताया था कि जो कार्डियक मसल्स है, ठीक है, आपका स्केलेटन मसल्स है या आपके न्यूरॉन्स हैं, इसमें क्या होता है कि नर्वस
सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, नर्वस सिस्टम में जो नर्व कंडक्शन होता है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपने क्लास टेंथ में थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको इजी फील होगा, अदरवाइज़ मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए क्योंकि अब आपका टॉपिक थोड़ा टफ होने जा रहा है, बिकॉज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट मस्कुलेचर को। ठीक है, हार्ट की जो वॉल होती है, वॉल में जो मसल्स होते हैं उस मसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिस्कस करने से पहले आपको दो बेसिक पॉइंट बताऊंगा, वो आपका क्या है, नर्व कंडक्शन, ठीक है, और एक पॉइंट है आपका मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, ये दो पॉइंट पहले मैं डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद डिटेल में करूंगा मस्कुलेचर के बारे में। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट एक्चुअली कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर है मोलस्कस और वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, मोलस्कस और वर्टिब्रेट्स में आपको मायोजेनिक हार्ट मिलेगा। ठीक है, और इस हार्ट की एक स्पेशल क्वालिटी है कि इसको वर्क करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर सच टाइप ऑफ हार्ट। ठीक है, मतलब ऐसे हार्ट को बाहर से किसी टाइप का स्टिमुलस नहीं चाहिए, तो ऐसा जो हार्ट होगा वो उसका नेम क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट होगा। क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट। अगर अगर आप कंडीशन लेते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत है, तो वो हार्ट कैसा होगा, उसको आप बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक हार्ट। और ऐसा हार्ट कहाँ पे होता है, एनालिट्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे अंदर जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। इवन मोलस्कस में भी क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, बट एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स में कैसा हार्ट है, न्यूरोजेनिक हार्ट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ नोडल टिशू, और नोडल टिशूज़ में मैं आपको बोलूँगा कि जो नोडल टिशूज़ का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है ऐसे नोड, वो कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल है। वो कैसा है, वो ऑटो एक्साइटेबल है, दैट मीन्स कि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको बताने के लिए आपको मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक के बारे में डिफरेंस जानना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नर्व कंडक्शन को डिस्कस करते हैं। नर्व कंडक्शन क्या है, इसका बेसिक मैं बताऊँगा। बेसिक ये है कि जब कभी भी किसी भी बॉडी को या हमारे बॉडी सरफेस पे कभी भी कोई भी स्टिमुलस मिलता है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जब बॉडी रिस्पॉन्स होती है तो एक्चुअली क्या होता है, स्टिमुलस रिसीव होता है और वो डिफरेंट फॉर्म में वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपने स्किन को एक हॉट प्लेट से टच कराया, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हैंड है वो पीछे की तरफ बैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया कि आप अपना हाथ हटा लो। ठीक है, हाथ हटा लो, तो ये जो रिसीविंग है मैसेज का या रिस्पॉन्डिंग है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है नर्व कंडक्शन की वजह से। और जब नर्व कंडक्शन होता है तो कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, रेस्टिंग स्टेज होता है, ये कुछ इवेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो इवेंट्स जब कंप्लीट होते हैं तो नर्व कंडक्शन कंप्लीट होता है और मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है, और देन उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हैं या आपके बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब नर्व कंडक्शन होता है तो वहाँ पे जो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये जो स्टेजेस हैं, इसमें क्या होता है कि चार्जेस का डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सोलेमा के बाहर और अंदर। ठीक है, अगर आप एक्सोलेमा समझ रहे हैं, एक्सोलेमा कहाँ पे होता है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन पे होता है, और वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सोलेमा के बाहर और अंदर जो है अकॉर्डिंग टू इवेंट्स ऑफ नर्व कंडक्शन क्या होते हैं, चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा डीपोलराइजेशन स्टेज को। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में डिस्कस है वो डीपोलराइजेशन को लेकर डिस्कस है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो चार्ज का डिफरेंस है या पोटेंशियल है, ठीक है, एक्सोलेमा पे जो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं,
एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल हमेशा डीपोलराइजेशन कंडीशंस में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन टर्म यूज़ होता है तो उस समय क्या होते हैं, हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एट्रिया हो या वेंट्रिकल्स हो, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब भी सेंटेंस में एक्शन पोटेंशियल टर्म यूज़ किया हो या यूज़ किया हुआ है आपका डीपोलराइजेशन, इसका मतलब है कि अब वो पार्ट क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट है कि एक्शन पोटेंशियल को ही एक नया टर्म हम देते हैं, नर्व इम्पल्स। क्या देते हैं? नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये जितने भी टर्म है, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, ये सब जो है नोडल टिश्यूज़ में यूज़ होंगे। और यहाँ पे जो भी वर्क है आपके नोडल टिश्यूज़ का, वो नर्व के अकॉर्डिंग है, मतलब कि जैसा कि नर्व में होता है वैसा ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और नर्व सिस्टम में आप नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें रिपीट होते हुए दिखेंगे। इवन जब आप स्केलेटन मसल्स पढ़ेंगे, स्केलेटन मसल्स जब पढ़ेंगे और वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग रखिएगा कि आपके पूरे इस नोडल टिश्यूज़ में एक्शन पोटेंशियल टर्म आने वाला है। और एक्शन पोटेंशियल कब आएगा? जब डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन का मतलब कि वो पर्टिकुलर जो हार्ट का चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे भी ये पॉइंट मेंशन किया होगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट एक्शन पोटेंशियल करने वाला है, इसका मतलब कि वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया क्या, मायोजेनिक हार्ट के बारे में बताया, नर्व कंडक्शन के बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं नोडल टिश्यूज़ की तरफ। नोडल टिश्यूज़ हैं कहाँ पे? जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो वाल है, हार्ट का जो मस्कुलेचर है, उस पे पैचेस के फॉर्म में नोडल टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पैचेस के फॉर्म में नोडल टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और एक्चुअली ये नोडल टिश्यूज़ हैं क्या, एक बार देखिए, एक बार आप यहाँ पे देखो, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। दैट मीन्स कि स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर क्या है, नोडल टिश्यूज़ है। और ये हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैचेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये होगा कहाँ पे? ये हार्ट वॉल में होगा। ये भी लाइन आप देख लो, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर फाउंड इन द हार्ट वॉल, ठीक है। ये दोनों लाइन से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और देन आएंगे हम किस पे, कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यूज़ पे। जब आप कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको फोर कंपोनेंट मिलेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइनो एट्रियल नोड। क्या होगा? साइनो एट्रियल नोड, जिसको एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसए नोड, ठीक है। आप यहाँ पे एसए नोड लिखेंगे तो बेटर होगा, एसए नोड। सेकेंड जो आपका है वो क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है। क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल। फोर्थ आपका क्या है? पुरकेंजे फाइबर्स है। और इन दोनों के बीच एक और है आपका, वो क्या है? बंडल ऑफ हिज है। क्या है? बंडल ऑफ हिज, ठीक है। मैंने डायग्राम में बना रखा, आप देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है? एसए नोड है। ये जो पार्ट है ये क्या है? एवी नोड है। और ये जो पार्ट है आपका ये है एवी बंडल है। और फिर इसके ब्रांचेज जो निकल रहे हैं वो क्या है? बंडल ऑफ हिज है। क्या है? बंडल ऑफ हिज है। और बंडल ऑफ हिज जो है फिर फर्दर इनसे ब्रांचिंग निकलती है, ठीक है। इनसे क्या निकलती है? ब्रांचिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिज से ब्रांचेस निकल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पुरकेंजे फाइबर, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बंडल ऑफ हिज है ये, इसके दो पार्ट हैं, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो इधर के तरफ आ रहा है राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जो मूव होके आ रहा है तो वो होगा आपका राइट बंडल ऑफ हिज, और जो लेफ्ट साइड में जा रहा है वो होगा आपका लेफ्ट बंडल ऑफ हिज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। टोटल वैसे कंपोनेंट कितने हो रहे हैं? एसए नोड फर्स्ट, देन एवी नोड सेकेंड, थर्ड एवी बंडल, फोर्थ बंडल ऑफ हिज, और फिफ्थ क्या है? पुरकेंजे फाइबर। ये सब मिला के क्या बनेगा? आपका नोडल टिश्यूज बनेगा। और इन्हीं के हेल्प से क्या होगा? हार्ट के जो चैम्बर है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एसए नोड को, ठीक है। एसए नोड एक्चुअली क्या होता है? एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होता है? पेस मेकर होता है। क्या होता है? पेस मेकर होता है।
और ऐसे नोड का जो फंक्शन है वो क्या है, हार्ट के चैम्बर का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, हार्ट के जो चैम्बर हैं उनका रिदमिक जो उनका वर्किंग पैटर्न है या उनका बीटिंग जो पैटर्न है उसको ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको? पेस मेकर। ठीक है, और ये जो ऐसे नोड है इसकी पोजीशन क्या है ये भी देख लीजिए आप। ऐसे नोड की पोजीशन है सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे। आप देखो यहाँ पे ये जो आपका सर्कल है ये क्या है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे ये होगा। ठीक है, अगर आप एट्रियम में पोजीशन और अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका राइट एट्रियम है उसके राइट साइड में, राइट अपर साइड में ये सिचुएटेड होता है, राइट अपर साइड में ये सिचुएटेड होता है। सिमिलरली आप एवी नोड को भी बताएंगे, समझाएंगे। एवी नोड क्या है? पेस सेटर है। ये क्या है? पेस सेटर है। और पेस सेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे के मैसेज को ये ट्रांसफ़र करता है वेंट्रिकल्स के साइड में। ठीक है, मतलब कि जो इसको मैसेज मिला है ऐसे नोड से, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे नोड और ए बी नोड सब कुछ क्या है, आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ से जो भी मैसेज मिला है या इम्पल्स मिला है, ठीक है, इम्पल्स को हम क्या बोल रहे थे, एक्शन पोटेंशियल। जो भी इम्पल्स मिला है इस इम्पल्स को आगे ये प्रोपेगेट कराएगा। क्या कराएगा? प्रोपेगेट कराएगा, और प्रोपेगेट कराएगा तो वेंट्रिकल्स पार्ट में वो शिफ्ट होगा, जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल्स पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, और यही काम है क्या, किसका काम है? ए बी नोड का काम है, ये इम्पल्स को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं इसको? पेस सेटर। और इसको बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर, पेस सेटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ए वी नोड की अगर पोजीशन आप डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप डिफाइन कर, डिस्कस करते हैं ए वी नोड की पोजीशन को। ए वी नोड की पोजीशन आप जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताना होगा कि रैप्ट, अब हम डिस्कस करते हैं ए वी नोड की पोजीशन को। ए वी नोड की पोजीशन अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपको बताना होगा कि राइट जो एट्रियम है, ठीक है, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे इसकी पोजीशन होती है, और लेफ्ट कॉर्नर के पास क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, और साथ ही साथ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्या है इंटर एट्रियल सेप्टम और यहाँ पे क्या है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, ए वी नोड से ए वी बंडल अराइज होगा। ठीक है, ए वी बंडल अराइज होगा और वो क्रॉस करेगा किसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके जब वो यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स कि ये आ जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, और जब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे आएगा तो ये फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, राइट एंड लेफ्ट, डिवाइड होकर क्या बनाएगा, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज बनाएगा। क्या बनाएगा? राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज बनाएगा, और ये जो बंडल ऑफ हिज होंगे अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इम्पल्स जो है इसके आगे ये ए बी नोड भेजेगा, ए बी बंडल्स में, देन बंडल ऑफ हिज में भेजेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका नोडल टिश्यूज जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप ये समझाते हैं कि ऐसे नोड से मैसेज ए वी नोड की तरफ जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर के एट्रियम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब आप बताएंगे कि ए वी नोड से आगे इम्पल्स जा रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल पार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट पर चलते हैं। फैक्चुअल पॉइंट में ये है कि ये जो भी आपके पार्ट्स हैं नोडल टिश्यूज के पार्ट, यहाँ पे हर एक पार्ट में एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। एनसीईआरटी में ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल मेंशन है वो क्या है, 70 to 75 पर मिनट है। ठीक है, 70 to 75 पर मिनट है, और यही हार्ट बीट रेट भी होता है, यही क्या होता है, हार्ट बीट रेट भी होता है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये आपको बोला कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो नोडल टिश्यूज़ के हर एक पार्ट में डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे नोड में क्या है, 70 to 75 पर मिनट है। ठीक है,
और यही चीज़ जो है सेम होता है हार्ट बीट में। जब हार्ट बीट का आप वैल्यू मेंशन करते हैं तो वो भी सेम है 70-75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करना होगा। और यही आपका नोडल टिश्यूज़ है और यहीं पे फाइनली आपका टोटल जो है हार्ट का मस्कुलेचर, उसके जो वॉल हैं वो सब कुछ फिनिश होता है। ठीक है, बट आपको ध्यान देना होगा कि इसके बाद का जो टॉपिक है कार्डियक साइकिल, वो जो टॉपिक है वहाँ पे नोडल टिश्यूज 100% यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं स्ट्रिक्टली ये बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट करना, एनसीईआरटी भी पढ़ना, और देन ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही कार्डियक साइकिल आप स्टार्ट करना, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, कार्डियक साइकिल में जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि उसमें कौन सा इवेंट कब हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको, और बहुत शॉर्ट में दिया है। तो आप जब भी कार्डियक साइकिल का लेक्चर अटेंड करेंगे उसके पहले आप हार्ट के मसल्स, नोडल टिश्यूज़ को डिटेल आप पढ़ के ही क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है।